अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, दाग धब्बे चले जाए, डेड स्किन और ब्लैक हेड्स भी हट जाए और धूप से जली स्किन भी ग्लो करने लगे, तो सबसे पहले आपको अपने फेस से गंदगी हटानी है। जो भी टॉक्सिन उसके अंदर जमा है, जैसे धूल, मिट्टी या अदर टॉक्सिन उसके अंदर जमा है, तो सबसे पहले उसको अपनी स्किन से हटाइए। वो आप अपने फेस से कैसे गंदगी को हटाएंगे वो देखो। देखिए, मैंने पहले भी बताया है और आज फिर बता रहा हूँ कि स्किन पर कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले हमेशा आपको स्टीम लेनी है। देखो, स्टीम हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टीम लेने से आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे डर्ट, ऑयल और इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है और ये आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, जिससे स्किन के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव होती है। साथ में स्टीम लेने से आपके फेस की मसल रिलैक्स होती है और स्टीम लेने से ब्लैक हेड्स को निकालने में हेल्प मिलती है, क्योंकि स्टीम लेने से स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे ब्लैक हेड्स इजीली निकल जाते हैं। ओवरऑल फेस पर स्टीम लेने से स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है और स्किन की अपीयरेंस भी बेटर होती है। तो जब आप स्टीम लो तो उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। स्टीम लेने के बाद आपको फेस पर स्क्रब करना है। स्क्रब आपके फेस से डेड स्किन और ब्लैक हेड्स को टोटली रिमूव कर देता है। ये स्क्रब आपको अपने घर पर बनाना है। इसके लिए आपको मार्केट से साबुत मूंग लेकर आनी है और उसका मिक्सर में पाउडर बना लेना है। ये पाउडर आपको थोड़ा सा मोटा रखना है, बिल्कुल ही आपको पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको मोटा रखना है ताकि फेस पर स्क्रब अच्छी तरह से हो सके। स्टीम और फेस स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन से डर्ट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको फेस पैक यूज करना है। देखो, फेस पर आपको केमिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी स्किन पर लगाते हो तो स्किन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमेशा आपको नेचुरल चीज़ें ही अप्लाई करना है। तो फेस पैक बनाने के लिए आपको कच्चा दूध लेना है और साबुत हल्दी लाकर उसका पाउडर बनाना है। आपको साबुत हल्दी ही लानी है, पाउडर नहीं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले हल्दी पाउडर में कलर डाल दिया जाता है, तो फिर आप बोलोगे कि हल्दी से फेस येलो हो गया। तो आपको साबुत हल्दी लाकर उसका पाउडर बनाना है, फिर कच्चे दूध में साबुत हल्दी का बनाया हुआ पाउडर डालकर पेस्ट बनाना है और उसको 5 से 10 मिनट के लिए फेस पर लगाना है। उसके बाद फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और टॉवल से उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। ये सब आपको रात में ही करना है, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये सब करने के बाद आपको रात में सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा का जेल फेस पर लगाना है। ये आपको रात भर लगाकर सो जाना है। इसके बाद जब आप सुबह उठकर देखोगे तो आप अपने चेहरे को देखकर बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि फेस पर जबरदस्त ग्लो होगा। यह आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं और 1 महीने में सारे दाग धब्बे, टैनिंग, ब्लैक हेड सब चले जाएंगे और स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। ये आप आज से ही ट्राई कर लीजिए और कल अपने फेस पर ग्लो देखकर हमारे चैनल को आकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अभी कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।